हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोटी कपल। हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। आप लोग तो हमें देख ही रहे हैं, हम भी कोई बहुत फिट नहीं है, थोड़ा बहुत योगा और एक्सरसाइज करते हैं बस। पर इस साल हमने खुद को योग से फिट करने की कसम खाई है, क्योंकि बचपन से हम यही सुनते आ रहे हैं कि बेटा योगा से ही होगा। तो चलो ट्राई करते हैं। इसमें हम 30 दिन का योगा चैलेंज लेंगे और हम और आप मिलकर फिट होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अल्दी बल्दी आसन से, इसे सुखासन कहते हैं। ये आसन हम लोग खाना खाते समय हमेशा करते हैं, पर हम लोग पीठ सीधी रखना भूल जाते हैं। सुखासन में पीठ सीधी रखनी है, पॉजिटिव थॉट्स कैप्चर करना है और यू आर सो ब्यूटीफुल सोच के मुस्कुराते रहना है। धीरे धीरे सांस लेना है, भाई योग में हड़बड़ी नहीं होती है। और धीरे धीरे प्यार से सांस छोड़ें, 10 से 12 बार रिपीट करते रहो। बीच बीच में पेट पे हाथ रख के चेक कर लेना, सांस नीचे से चल रही है कि नहीं। अब धीरे धीरे गर्दन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं करनी है। 2 से 3 बार दोनों डायरेक्शन में घुमाना है और उसके बाद पीछे और आगे की तरफ झुकाना है। और अगर कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो ध्यान मत दीजिए, ये तो बस इंट्रो है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये एक्सरसाइज दिन में कभी भी कर सकते हैं, पर ध्यान रहे कमर सीधी रहे और गर्दन को धीरे धीरे मूव करना है, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं। अब हम करेंगे प्राणायाम। ये योग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें राइट हैंड के अंगूठे से राइट नाक को बंद करना है और लेफ्ट नाक से गहरी सांस लेना है, जैसे डॉक्टर सांस लेने को कहता है। फिर मध्यिका और अनामिका मतलब मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर से लेफ्ट नाक को बंद करना है और राइट नाक से सांस छोड़ना है। बहुत ही कंफ्यूजिंग है पर बहुत आसान है। अब राइट नाक से सांस लेना है और लेफ्ट नाक से छोड़ना है। 5 से 10 बार इसे रिपीट करें हमारे साथ। प्राणायाम की सांस लेने की क्रिया को आसान करता है, जिससे आगे के योगासन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अब करेंगे भ्रामरी आसन। इसमें दोनों हाथों के अंगूठे से कान बंद करना है, 3 उंगलियों से आंख बंद करना है और तर्जनी मतलब इंडेक्स फिंगर को आईब्रो के ऊपर रखना है। और अब गहरी गहरी सांस लेना है और छोड़ते टाइम मक्खी की भिन्न वाली आवाज निकालना है, इस टाइप से। योग करते टाइम पॉजिटिव थॉट्स चलते रहें और मुस्कुराते रहो, जैसे कि आप सीसीटीवी के सामने हो। 5 से 10 बार सांस लें और छोड़ें। अब हम करेंगे ओमकार मतलब ओम मंत्र का जाप। ये भी सही से सांस लेने का ही एक टाइप है। इसमें गहरी सांस लेना है और ओ से शुरू करते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पे आना है। 3 बार इसे रिपीट करो। चलो जल्दी करो। अब सांस को नाक से लेना है और मुंह से छोड़ना है, यह आपको जल्दबाजी की छूट है। सांस लेने और छोड़ते टाइम आपको अपने दोनों हाथ को कंधे के पास लाना है और सर के ऊपर ले जाना है। फ्रेंड्स, इसे भी 10 से 12 बार रिपीट करो मेरे साथ।
चलो अब हम बन जाएंगे घोड़ा, जिसे कैट पोज और योग की भाषा में मार्जरी आसन बोलते हैं। आपको सांस लेते समय सर से ऊपर देखना है और फिर सांस छोड़ते हुए घुटनों की तरफ देखना है और पेट ऊपर की तरफ उठना है। ये आसन धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे करना है और 6 से 8 बार रिपीट करना है। अब हम आते हैं चाइल्ड पोज, मतलब बाल आसन में। दोनों घुटनों के बल बैठ जाओ, सर जमीन को टच करते हुए और दोनों हाथ भी जमीन पे सर से आगे की तरफ रहेंगे। समझ लो कि हम भगवान को साष्टांग झुक के नमस्कार कर रहे हैं। अगर आपको सर जमीन पे रखने में किसी भी तरह की कोई परेशानी हो रही है तो टॉवेल या तकिए को सर के नीचे रख सकते हैं। अगर घुटने दर्द करें तो घुटनों के नीचे या फिर पैर और जांघों के बीच में भी रख सकते हैं। ये आसन स्टार्टिंग में कुछ 1 या 2 मिनट ही करना है, नहीं तो पैर सुन्न पड़ने लगेंगे। अब हम करेंगे अधोमुख शवासन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डाउनवर्ड डॉग पोज। दोनों हथेलियों को जमीन पर रखेंगे, बीच के बॉडी पार्ट को ऊपर और दोनों पैर जमीन पर रहेंगे। अगर आपने आज से ही हमारे साथ योग करना शुरू किया है तो ये आसन आप आज ना करें, 2-3 दिन की प्रैक्टिस के बाद ही स्टार्ट करें। धीरे धीरे फिर से सुखासन में आ जाओ। अब करेंगे सबका पसंदीदा आसन शवासन। ध्यान रहे, ये भी एक योगासन है, सोना नहीं है इसमें। इसमें पीठ सीधी, हाथ सर के पीछे, हथेली आसमान की तरफ, दोनों पैरों के बीच में कुछ 1 फीट का गैप। धीरे धीरे सांस लें, मुस्कुराएं जैसे आप लखनऊ में हैं। और जरा अपनी सांस पे गौर फरमाएं, ध्यान से देखना कि नाक से लेने के बाद कहां तक फील होती है आपकी सांस। अब शवासन से धीरे धीरे उठें। मैं समझ रहा हूं मन नहीं कर रहा होगा, पर उठना तो पड़ेगा। पहले एक साइड आ जाओ, फिर धीरे धीरे हथेली के जोर से अपने बॉडी को उठाओ और सुखासन में वापस बैठ जाओ। होप आप लोगों को अच्छा फील हो रहा होगा, मुझे तो बढ़िया मजा आ रहा है। तो प्रोटीन कपल के साथ और मजे से योग करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को बताएं और कमेंट करें कि आपको योग कैसा लगा। नमस्कार।